तो भाई स्मैकडाउन के एपिसोड में आज केविन ओवेंस ने रोमन को पकड़कर चोट डाला सही से पूरे ब्लड लाइन को। रोमन जो है इस बार केविन के सामने बेबस नजर आए, कुछ ना कर सके और ये सारी चीज देखकर WWE फैंस पागल हो गए भाई, रोक गए सही फैंस की भाई ये क्या हो गया, आखिर केविन ओवेंस ने ये कैसा कर दिया भाई। तो सही फैन इस चीज को देख कर केविन से काफी ज्यादा खुश हुए हैं। तो बात करते हैं शुरुआत से, जैसे कि द ब्लड लाइन ने बिल्डिंग में एंट्री ली अपनी कार से तो सैमी जेन ने सभी ब्लड लाइन के मेंबर के साथ ग्रीट लिया, लेकिन वो रोमन के साथ जो है ग्रीट लेना चाह रहे थे, लेकिन रोमन रेंस भाई सैमी जेन से गुस्सा थे, ना खुश नजर आए और वो वहां से चले जाते हैं। फिर हमें इसके बाद एक बैक स्टेज स्टेगमेंट देखने को मिलता है, रोमन और पॉल हेमन कॉन्टेक्ट सैन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं वहाँ पर, तभी सैमी जेन आता है और रोमन से बातचीत करने की अपनी इच्छा जताता है और रोमन ने फिर सैमी से पूछा कि भैया कल पिछले हफ्ते जो भी है हमारा क्या हुआ था उसके बारे में कुछ बताओ। तो सैमी जेन ने बताया कि पिछले हफ्ते उन्हें प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें लग रहा था कि भाई वो उनको यूज किया जा रहा है। तो फिर रोमन ने बोला भाई सैमी तू यहाँ से बाहर जा, आउट ऑफ द रूम, और फिर बताया कि भाई उन्हें मतलब मुझे सैमी की कुछ भी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वाइज मैन इसको यहाँ से बाहर निकालो ऐसा कुछ रोमन रेंस कहते हैं। तो भाई फिर इसके बाद कुछ समय बाद बैक स्टेज से फिर एक और स्टेगमेंट दिखाया जाता है और बैक स्टेज रोमन रेंस ने पॉल हेमन से सैमी जेन के बारे में कुछ पूछा, यानी कि हेमन ने बताया कि ट्राइबल चीफ उन्हें जो है केविन ओवेंस का ध्यान भटकाने के लिए हमें सैमी जेन को कॉन्टेक्ट साइन में साथ लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ इस बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर जो है अपना वाइज मैन जाता है सैमी के पास, बातचीत करता है और उन्हें बुलाता है। फिर बैक स्टेज रोमन रेंस ने सैमी जेन को बताया कि भाई उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उन्हें सैमी जेन की बात सुननी चाहिए थी और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, आदत है करने की गुस्सा करने की, तो इस कारण की वजह से पॉल हेमन ने को साथ रख रखा है। दोनों के बीच बातचीत क्लियर हुई और उन्होंने शो के बाद जाने के लिए सैमी जेन को कार और जेट तैयार करने के लिए कहा था। और इसके बाद देखो गाइस होता गया, इसके बाद आता अपना मेन इवेंट जहाँ पर जो है स्टेज को सजाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और तगड़ी तरीके से एकदम बुक किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस साइड ऑफ द टेबल एंट्री करते हैं, भाई क्या ही शाही एंट्री करते हैं, मतलब मजा आता, बहुत लंबी एंट्री होती है और मजा आता सुन के, एकदम घूस बम आए थे, मतलब रोमन ने एकदम ताड़ में चोड़ में एकदम टेबल के ऊपर पैर वैर रख के एकदम आराम से बैठ जाते हैं, उंगली चला रहे होते हैं भाई। इतने में पीछे से केविन ओवेंस एंट्री करता है, सोलो शिकोह पे अटैक करता है, इतने में भाई रोमन उठता है, तो ये रोमन उठते ही एक किक के साथ एक स्टनर दे देता है केविन ओवेंस रोमन रेंस को। और भाई फिर लास्ट में जो है अपना उसो भाई आते हैं, उसो भाई को भी वो पेल देता है केविन, अपना इधर उधर मार देता है स्टील पोस्ट में, अनाउंसर टेबल के ऊपर ऐसी पटक देता है। फिर भाई इतने में अगर रोमन रेंस खड़े होने की तैयारी करते हैं, लेकिन भाई उठा के एक तगड़ा वाला पावर बॉम्ब टेबल के ऊपर दिया जाता है, काफी तगड़ा और खतरनाक लगता है ये पावर बॉम्ब, रोमन रेंस की हालत खराब हो जाती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है केविन ओवेंस अपना कॉन्टैक्ट साइन कर देता है और सैमी जेन आता है कि भाई ये क्या हो गया, और इतने में तो भाई केविन ओवेंस चला जाता है, ये सॉफ्ट भी नहीं हो पाता इतनी देर में। तो गाइस रोमन रेंस की स्पीच रिंग में इस तरह पिटाई होने के बाद सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो चुकी है अब, तो देखा जाए तो भैया अगला एपिसोड काफी खतरनाक होने वाला है, और जो रो का एपिसोड होने वाला है भाई वो तो कमाल धमाल बकवाल होने वाला है एक नंबर का, कुछ बातें रो पे होगी और बाकी हमें मेन चीजें जो है स्मैकडाउन के ऊपर दिखाई देंगी। तो कुल मिला के चीजें बड़ी बढ़िया चल रही है स्टोरी में। Thank you.